हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रज़िया। आप सभी का स्वागत है कुक विथ रज़िया पर। आज मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार टर्किश डिलाइट, जो बहुत ही कम चीज़ों में और बहुत ही कम टाइम में बनके तैयार हो जाती है। हार्डली इस रेसिपी को बनाने के लिए 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक पतीले में डालेंगे 1 कप दूध, और अब हम इस दूध को उबलने के लिए छोड़ देंगे। अब आप देख सकते हैं दूध में उबाल आनी शुरू हो चुकी है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे और साथ ही इसमें 3 चम्मच शुगर यानी कि चीनी डालेंगे। मीठा चाहो तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हो। शुगर डाल के इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब हम एक घोल तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक छोटी सी कटोरी में डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, साथ ही इसमें डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध। दूध डाल के इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिल्क पाउडर के अगर थोड़ी बहुत गुठलियाँ रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसे हमने दूध में मिक्स करना है तो ये उसमें मिक्स हो जाएंगे। ये आप देखिए, अभी हमारा घोल बन के तैयार है। अब फ्लेम को बिल्कुल आपको धीमा रखना है, बिल्कुल धीमी आंच पे थोड़ा थोड़ा करके ये हमारा स्लरी ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। मिल्क पाउडर यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो, आप चाहो तो इसे छोड़ भी सकते हो, लेकिन मिल्क पाउडर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छी तरह से आप इसे मिक्स करें और कंटिन्यू आप इसे चलाते रहें, क्योंकि ये बहुत जल्द गाढ़ा हो जाता है, नहीं तो तली में लग जाएगा। तो इसे कंटिन्यू आप इसे चलाते रहें। ये आप देखिए इसका टेक्सचर कितना ये गाढ़ा हो गया है। इसे इसी तरह से 2 से 3 मिनट तक और पकाना है ताकि ये और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अब आप देख सकते हैं, अब हमने इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाया है। ये आप देखिए अब इसका टेक्सचर कितना ज़्यादा ये गाढ़ा हो गया है। और इस तरह से अगर मैं स्पैचुला में उठा रही हूँ, ये आप देखिए किस तरह से इस पर एक कोटिंग सा लग रहा है। ऐसे अगर आप इस तरह से फिंगर से ये करके देखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो अब ये हमारा मिक्सचर तैयार है। इसे और इससे ज़्यादा ना पकाएं, वरना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम इसे निकाल के साइड पे रखेंगे। अब मैं यहाँ पे एक स्विस रोल की ट्रे ले रही हूँ। अगर आपके पास ऐसा स्विस रोल का ट्रे है तो ठीक है, नहीं है तो आप इस तरह का कोई भी घर का बर्तन या पतीले का यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे हम खोबरा भी कहते हैं। इसे हम डाल के इसे हम अच्छी तरह से फैला लेंगे। फैला लेने के बाद इसे हम इस तरह से हम हल्का हल्का दबा लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। आप चाहो तो इस स्टेप को बैटर बनाने से पहले रख लो। अब हम इसमें हमारा तैयार क्या हुआ बैटर डालेंगे। अब बैटर डालने के बाद इसे बिल्कुल हल्के हाथों से फैला लें। अब आप देखिए, अब हमने ट्रे के चारों तरफ लगा के अच्छी तरह से इसे फैला लिया है। अब हम इसे कुछ देर पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब दूसरी तरफ हमने एक गमले में थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम लिया है, अब हम इसे थोड़ा सा बीट कर लेंगे। ये आप देखिए क्रीम का टेक्सचर, ये कितनी अच्छी तरह से बीट हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी पिंक कलर। आप अपने पसंद का कोई भी कलर आप इसमें डाल सकते हो, पिंक, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, जो भी कलर आपको पसंद है वो आप डालिए। मैं 3 से 4 ड्रॉप यहाँ पे कलर डाल रही हूँ। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अब ये हमारा क्रीम तैयार है। अब आप देख सकते हो, अब ये हमारा बैटर पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ गया है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ शुरू में दिखाना भूल गई थी कि जब बैटर हमारा तैयार हो जाए, जब हम इसे कुछ देर ठंडा होने के लिए रखते हैं, तो उसी टाइम आप इसमें 2 से 3 चम्मच वनीला एसेंस का डाल लीजिए। उससे क्या होगा कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं आपको दिखाना भूल गई थी, तो आप इसे ज़रूर से शामिल कर लीजिएगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप इसे क्रीम में थोड़ा सा डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने जो क्रीम लिया था, इसे मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया है। अब हम इसे एक पाइपिंग बैग की मदद से इस तरह से क्रीम को ऊपर डाल लेंगे। अब हम इसे एक पैलेट नाइफ की मदद से अच्छी तरह से फैला लेंगे। ये आप देखिए, क्रीम को डाल के हमने अच्छी तरह से फैला लिया है। आप चाहो तो इसके ऊपर थोड़े से पिस्ताशियो स्प्रिंकल कर सकते हो, अपने पसंद के कोई ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, या फिर इसके ऊपर थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट डाल लो। इसे हमको रोल करने में भी आसानी होगी और साथ में ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है, और इसके साथ में कोकोनट का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब ये हमारा मज़ेदार सा टर्कीज डेजर्ट सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसे इंस्टेंटली सर्व कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसे कुछ देर ठंडा होने के बाद सर्व कर सकते हो। बहुत ही मज़े का लगता है, तो मैं इसे कुछ देर ठंडा होने के बाद ही सर्व करूँगी। अब मैंने इसे हार्डली डीप फ्रीज में 10 मिनट के लिए ठंडा कर लिया है। अब ये हमारी मज़ेदार सी टर्कीज डेजर्ट सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसे चाहो तो पीसेज में सिंपली कट करके सर्व कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसके रोल बना के भी सर्व कर सकते हो। इस तरह से आप मार्क कर लीजिए। और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से आप रोल करें। बिल्कुल भी आप इस पे प्रेशर ना लगाएं, वरना ये टूटने लगेगा। अगर इस तरह से आपके पलटे में चिपके, तो आप इसमें हल्का सा डेसिकेटेड कोकोनट लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके पलटे में और नहीं चिपकेगा। ये आप देखिए, इस तरह से हमारा एक रोल बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे उठा के एक पलटे की मदद से एक प्लेट में इस तरह से रखते जाएंगे। ये आप देखिए, अब आप देखिए, अब हमने सभी रोल्स इस तरह से तैयार कर लिए हैं। और एंड में थोड़ा सा मैं इसके ऊपर पिस्ते का पाउडर इस तरह से छिड़क रही हूँ। इससे ये दिखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है और खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। तो अब ये हमारा मज़ेदार सा टर्किश डिलाइट सर्व करने के लिए तैयार है। ज़रूर से दोस्तों, आप मेरी इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्तों, रिलेटिव के साथ में ज़रूर से इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।